चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग 2D मोशन शुरू कर रहे हैं। हम लोग आज टू डायमेंशनल मोशन के अंदर बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है जो आपको याद रखना है। बस लाइन याद रखिएगा। 2D मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखने वाली है, चाहे 2D आ जाए चाहे 3D आ जाए, एक ही लाइन है, टू परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Two perpendicular motions are independent of each other. Only time is same in all perpendicular directions. ये समझना जरूरी है। Only time is same in all perpendicular directions. Even in all directions time will remain same. लेकिन क्योंकि हमें दो perpendicular directions में बात करनी है तो ये की पॉइंट है। टू परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये लाइन समझ में आएगी तो इस प्रॉब्लम में एक भी दिक्कत नहीं आएगी। यही एक की पॉइंट है। बाकी तो मोशन को आइडेंटिफाई करना हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक से सीख ही चुके हैं बच्चों। तो चेक करते हैं कैसे ये टाइम पे ये परपेंडिकुलर मोशंस इंडिपेंडेंट है। एग्जांपल से लेता हूं। एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है तुम्हें 2i कैप, और मान लो 2i कैप वेलोसिटी के बाद पूछ लिया गया डिस्प्लेसमेंट बतानी है इसकी इन 5 सेकेंड्स। तो बड़ा आसान सा मामला हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वैसे मैंने एक बॉल को यू 2 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, अब ग्रेविटी नहीं है। अब ग्रेविटी नहीं है तो सीधी जाएगी, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गिरती क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है उसको, अर्थ खींच रही है। बात समझ में आ रही है? अभी हमने बोल दिया वेलोसिटी 2i कैप है। 2i कैप मतलब ओनली अलोंग x एक्सिस है, और ये मोशन भी यूनिफॉर्म है क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। बोल दिया 2i कैप, एक्सीलरेशन तो दी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू, अब वेलोसिटी लिखी आपको 2i कैप की, टाइम का रखा 5 का, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गई 10i कैप। आई कैप का मतलब हम सब समझते हैं प्लस एक्स में, बॉडी प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। जिस तरह वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट आ गई। हाँ ना, कमेंट कीजिए बच्चे, यहां तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। 5-7 मिनट लगेंगे इस पॉइंट तक पहुंचने में ताकि एकदम क्लैरिटी समझ में आ जाए। क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई है? फिर बोलूंगा मोशन सिर्फ और सिर्फ 3 टाइप का ही होगा। कौन कौन से 3 मोशन होते हैं याद रखना हम लोगों को। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बताओ बेटा, एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट में एक ही फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। दूसरा मोशन होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें एक्सीलरेशन नॉन जीरो हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी। इसके इक्वेशन के सेट बना रखे हमने, हमने कह दिया कि हमारे पास 4-5 इक्वेशन का सेट है। v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2as, ऐसे हमारे पास इसका सेट पड़ा है। आना मुझे आप दीजिएगा, क्या तुम सबको ये लाइन भी समझ में आ गई है? और तीसरा कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर क्या होता है सर? एक्सीलरेशन वेरिंग है। वेरिंग है, मतलब क्वेश्चन क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पक्का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सॉल्व होगा। हमने बात कर ली थी इस बारे में कि हमने इन डेफिनेशन की मदद से, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन की मदद से इनके लिए हमारी इक्वेशंस को बना के रख लिए ताकि उनको डायरेक्टली यूज कर सके। बराबर तो हमने इसी डेफिनेशन से थी इक्वेशंस। तो मोशन तो 3 टाइप का ही रहेगा बेटा, ठीक है? इसके लिए आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, 1D मोशन के अंदर जो काइनेमेटिक्स में डाल रखी है हम लोगों ने, कि इसका क्या मतलब है, वहीं से सारी बात लिंक होगी। क्या यहां तक की बात तुम सबको क्लियर होगी? यहां तक तो लिख लीजिए, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं इसी में लोग आगे। 5-7 मिनट में हम लोग इस बात पर पहुंचेंगे कि इसका क्या लॉजिक है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सारा तुम्हें आइडिया क्लियर हो जाएगा बच्चों। यहां तक की बात नोट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने लिया अभी तक, वेलोसिटी आई कैप में डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, ठीक है ना? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लैरिटी है। मोशन 3 टाइप का रहेगा याद हम लोगों को, तो
थोड़ा चेक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, वेलोसिटी गिवन है 2 आई कैप मीटर पर सेकंड इनिशियल और एक्सेलरेशन गिवन है 3 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो बातें पूछ ली गई हैं, एट टी इक्वल टू 3 सेकंड आपको कुछ फाइंड करना है और फाइंड करने के लिए कहा गया है वेलोसिटी फाइंड करनी है 3 सेकंड के बाद एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है इसी 3 सेकंड के अंदर। तो अभी भी क्वेश्चन मंडी का चल रहा है, अभी तो कुड़ी की बात ही नहीं होगी। x में वेलोसिटी है, x में एक्सेलरेशन है, टाइप ऑफ मोशन कौन सा आ गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आ गया। इसकी इक्वेशन के सेट हमारे पास है, उसका सॉल्यूशन हम लोग यही लिखते हैं। पहली इक्वेशन लगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आना मुझे आप दे दीजिए। हाँ सर बिल्कुल, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगेगी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो u की जगह पे लिख दो i, एक्सेलरेशन की जगह पे लिख 3 i और टाइम की वजह रखा 3 सेकंड बेटा, तो ये 9 और 2 11 i कैप को वेलोसिटी हो चुकी है उसकी। बिल्कुल सही है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी ut plus half at square, वैल्यू पुट करनी है u की जगह पर 2 i पुट हो जाएगा, t की जगह पर 3, half a की जगह पर 3 है और टाइम भी 3 ही दे रखा है, कोई इलाज नहीं है कि अब डेसिमल में चीज आ गई है। तो ये 27 हो गया बाय 2 13.5 और 6 19.5 बन चुका है ये। क्या तुम सबको समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट इतने मीटर की आ चुकी है? 19.5 i कैप मीटर की डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है। जवाब दे दीजिए कि आपको ये बात भी समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? अभी भी सर ये क्वेश्चन अभी भी 1D का क्वेश्चन था, अभी तक यहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन क्या ये बात क्लियर होगी तुम सबसे पूछता हूं? कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो अब आप इस एग्जांपल को नोट कीजिए, अगले एग्जांपल के अंदर हम लोग हमारे उस बात को पहुंचने वाले हैं। चेक करते हैं कैसे, लिखिए यहां तक की चीज को नोट कीजिए ध्यान से बच्चों। वीडियो कट गया, perpendicular motions are independent of each other, लेकिन time same रहेगा हर perpendicular direction में। इस बात का use कर रहे हैं, check करते हैं नए question के साथ। ध्यान दीजिएगा भैया, बहुत आसान सा मामला ले रहे हैं। Question की wording फिर से लिख रहे हैं, question की wording फिर से ले रहे हैं। Question की wording में particle की velocity 2 i cap given है, acceleration 4 j cap meter per second square given है। आप सबको समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में दे दी है भाई ने? वाई डायरेक्शन में दे दी है, वाई मतलब ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी इनिशियल दी है आई कैप में, यानी एक्स के अलोंग। कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुमसे कुछ बातें पूछूंगा तुम्हें समझ में आएगी बात। एट टी इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड क्या करना है? पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने ढंग से सुनना। मोशन अभी भी कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। हाँ मैंने जवाब दे दीजिए, किस तरह का मोशन है? लाउडली बोल दो, किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इनकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू u प्लस h इज इक्वल टू ut प्लस half at square अभी भी वैलिड है, वैलिड लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं इसका, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख रहा हूं मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, u की जगह पर 2 i, एक्सेलरेशन की जगह पर 4 j इनटू टाइम दे रखे 2 सेकंड। तो चेक करें वेलोसिटी इसकी ये वाली है। क्या तुम सबको कुछ समझ में आ रहा है कि x के अलोंग वेलोसिटी 2 थी और 2 की 2 रही है, y के अलोंग यहां पे कोई वेलोसिटी नहीं थी लेकिन अब y के अलोंग वेलोसिटी आ चुकी है क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ y के अलोंग है। एक्सेलरेशन y के अलोंग है मतलब फोर्स y के अलोंग है, x के अलोंग फोर्स नहीं है तो x के अलोंग वेलोसिटी बदली भी नहीं। अब जो मल्टी टाइम पुट कर लो, क्योंकि एक्सेलरेशन y के अलोंग है
एक्स के अराउंड कोई एक्सीलरेशन नहीं है, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हुआ, परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट। बात समझिए, समझ के करना है, ध्यान से देख लीजिए क्या अपने आप हो रहा है। वाई वाली एक्सीलरेशन से वाई में चेंजेस आ रहे हैं, एक्स में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि एक्स में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं। वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी सर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पहला एग्जांपल है, अभी कुछ कुछ समझ में आया, चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अगर दो से आगे जा रहा होता सिर्फ, तो दो सेकंड में एक्स के अलोंग चार जाएगा और कुछ ना कुछ वाई के अलोंग भी जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट मी सी व्हाट विल गेट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू है दो आई के, टाइम है दो सेकंड, एक्सीलरेशन में दे रखी है फोर जे की और टाइम भी दे रखा है टू स्क्वायर, एक टू कैंसिल हुआ। हमें हमारा आंसर समझ में आ रहा है कि हमारा आंसर ये वाला आ रहा है, थोड़ा समझते हैं। x के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो अपने वेलोसिटी टू टाइम का फॉर्मूला लग गया, y के अलोंग एक्सीलरेशन थी हाफ एट स्क्वायर नीचे अपने आप आ गई, परपेंडिकुलर मोशन हुआ इंडिपेंडेंट ओनली टाइम से। सबको बात समझ में आ रही, कैसे बातचीत की गई है, क्या बात समझनी है, x के अलोंग वाली वेलोसिटी क्यों नहीं बदली आपके सामने। सपोज करो अगर ये j होता और ये i होता तो j वाला नहीं बदलता, i वाला बदलता। क्या तुम सबको ये पूरी बात से समझ में आ रही जो बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या तुम सबको ये बात क्लियर हो गई है, नोट कर लीजिए इसको। कैसे चल रही है चीजें, सारी क्लियर हो गई है हम लोगों को कि x वाला प्रभाव x में है, y वाला प्रभाव y में है, एक दूसरे के बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, x वाला x के हिसाब से चल रहा है, y वाला y के हिसाब से चल रहा है। कुछ और डिस्कशन करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी, हटाते हैं सारी चीज को। एक पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन आपको 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन गिवन है आपको इसकी माइनस 5j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पूछा गया t इक्वल टू 5 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी बता दीजिए, देख के ऑब्जर्व कर लीजिए कि कौन सी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। अच्छा, एक्सीलरेशन किस तरफ की है, माइनस वाई के अलोंग है, यानी एक्स कंपोनेंट में तो फर्क पड़ ही नहीं सकता, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी का पोजीशन तो चेंज होगी होगी, डिस्प्लेसमेंट तो आएगी आएगी, लेकिन वेलोसिटी का एक्स वाला हिसाब का चेंज नहीं हो सकता, वाई वाला पक्का चेंज होगा क्योंकि वाई में एक्सीलरेशन आ चुकी है। क्लियर तुम सबको। इस प्रॉब्लम को पढ़ने के दो तरीके हैं, पढ़ने के दो तरीके हैं, सबका ध्यान यहां पर, दो मिनट के लिए इस प्रॉब्लम को पढ़ने के दो तरीके हैं, सॉल्यूशन शुरुआत कर रहे हैं, दोनों प्रोसेस आपको समझ में आ जाने चाहिए। एक प्रोसेस तो हम कंटिन्यूटी में ले ही रहे हैं, हमने क्या कहा, हमारे पास ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वैलिड है। सबका ध्यान बोर्ड पर जो ट्रेनिंग होना चाहिए, जो बोल रहा हूं वो तो पूरा समझना है, तो वैल्यूज पुट करनी है, कुछ खास बात नहीं है। U प्लस ए इंटू टी, टाइम को चार सेकंड कर देते हैं तो पांच सेकंड कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो निकालने नहीं है, तो माइनस का 25 आएगा तो 3 आई क्या माइनस 21 जे, माइनस का 25 और प्लस का 4, ये फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसे दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, तो इस प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका सीखिए।
प्रॉब्लम यू पढ़ने आने में जरूरी है। इसका मतलब हो गया एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू एक्स का मतलब एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है। वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4 है। एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितनी है 0। वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितनी है -5 मीटर पर सेकंड। तो एक्स के लॉन्ग तो मोशन यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन वाई के लॉन्ग मोशन जो हो गया वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो गया। हाँ ना, जॉब दे दीजिए, पहचान करनी आप सबको आ रही है कि इसको चार पैरामीटर में ब्रेक करना सीख लिया सिर्फ पैरामीटर्स में। अब हम एक्स को अलग से ड्रिल कर सकते हैं, वाई को अलग से ड्रिल कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी अलोंग एक्स कितनी आ जाएगी, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ए एक्स जीरो है तो एक्स के अलोंग तो वेलोसिटी कोई बदलेगी नहीं, वो तीन की तीन रहेगी। लेकिन y के लॉन्ग वेलोसिटी uy plus ayt से निकाली जाएगी, तो uy plus ay into t, ये माइनस का 21 आ रहा है, तो नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3i क्या माइनस 21 j क्या। सर ये तो डायरेक्टली भी आ रही थी, लेकिन ये ब्रेक करके कंपोनेंट करने आने चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में हम ये ब्रेक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे वो भी नजर आएगा आपको, क्योंकि प्रॉब्लम का पूरा एनालिसिस करेंगे हम लोग कि इसके अलावा और क्या क्या चीजें देखी जा सकती है। क्या यहां तक की बातचीत आप सबको समझ में आ गई है, क्या क्लियर है? ये प्रॉब्लम भी नोट कर लीजिए। ये प्रॉब्लम भी नोट कर ले बच्चों आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम से हम लोग हमारे कुछ आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, हेडिंग हमारी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। लाइन याद रखिएगा, परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यही सारी चर्चा होगी, लिखने का तरीका, बात करने का तरीका यही होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा क्योंकि अब मैथमेटिकल वैल्यू की बजाय हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बात करने वाले हैं, एक्सप्रेशन की फॉर्म में बात करने वाले हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, डायग्राम से मैं स्टेट करवा रहा हूं आपको, आप लोगों ने लिखनी भी डेफिनेशन। किसी हाइट पर खड़े होकर आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करना, डेफिनेशन बोलता हूं कैसे, प्रेस टू लेना फिर लिखेंगे अपन सारे जने। अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी। हम सब जानते हैं कि ये बॉल कुछ किस तरीके से गिरेगी। आयन हमें जवाब दे दीजिए, इसके अलावा कोई और अल्टरनेट इसके पास ही नहीं गिरने का, ये यूं ही गिरेगी। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में नहीं जा सकती। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, a ball is thrown horizontally from some height and allowed to fall under gravity, then this type of motion is called horizontal projectile motion. kya tum sabko line samajh mein aa gayi hai, statement likh lijiye, a ball or body is projected horizontally from some height and allowed to fall under gravity, then this motion is called horizontal projectile motion. Clear है जी? थोड़ा तय करवाइएगा आप ही, इसकी वेलोसिटी कितनी लिखूं, एक्सेलरेशन कितनी लिखूं, क्योंकि
पिछली प्रॉब्लम में मैं आपको यू और ए दे रहा था और टाइम दे रहा था कि इस टाइम पे ये निकालो, अब बात अलग है क्योंकि हम इसको आर्टिकल के फॉर्म में देख रहे हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखी जाए वेक्टर फॉर्म में देखो आप, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एंड अलाउड टू फॉल अंडर ग्रेविटी, तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी इक्वल टू जीरो बाय चल रही है इनिशियल वेलोसिटी। आपको कहना चाहिए सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है, वाई के अलावा आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी थी, वो तो ग्रेविटी की वजह से होना शुरू हुई है, हाँ ना मैं जॉब दे दीजिएगा, तुम सबको समझ में आ गया। अगर इसको तिरछा फेंका जाएगा तो ux और uy दोनों आएंगे। फेंकने के तरीके देख लेते हैं, या तो मैं u फेंकूं दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, या फिर मैं इसको u तिरछा फेंकूं, या फिर u भी तिरछा फेंकूं ऐसे, तो उस केस में u फेंकूंगा तो ux uy आएंगे, u फेंकूंगा तो भी ux और uy आएंगे, लेकिन अगर u फेंक है तो uy तो पक्का नहीं आएगा। क्या फेंकने के तरीके समझ में आ गए? दीज आर ऑब्लिकली थ्रोन, दिस इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन, these two are obliquely thrown, oblique thrown ki humne is case mein, but this is horizontal thrown. kya tum sabko baat samajh mein aa gayi u kitna likha gaya? allowed to fall under gravity only, under gravity only, iske alawa koi force nahi hai, koi air friction nahi, koi kuch nahi, to gravity to y ke along hai sirf, aur ye minus j ki direction hoti hai. kya tum sabko ye acceleration aur velocity samajh mein aa gayi hai? haan na, jawab dijiye yahan tak ki baat. क्या तुम सबको पता लग गया कि u कितना होगा, a कितना होगा? पिछले क्वेश्चन में ये दे रखे थे, अब हमने खुद डिराइव किया है सिंबॉलिकली कि हाँ सर ये दे रखा और ये दे रखा है। जवाब दीजिए कि आपको ये कंक्लूड करना है यहां से क्या? लाउडली बताइए भैया, मुझे क्लियर होना चाहिए, तुम्हें समझ में आएगी क्योंकि बेसिक बात तो यही है। क्या तुम्हें यू तय करना आ गया इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट इक्वल टू जीरो, ये एक्सर्शन कांस्टेंट है। अब क्या क्या बातें निकालनी पड़ सकती है इस प्रॉब्लम के अंदर, क्या क्या बातें निकालनी पड़ सकती है वो चेक करते हैं। सबसे पहले कितने टाइम के बाद नीचे गिरी, कितनी दूर गिरी, इन सबको नाम लूंगा, कितनी दूर गिरी फुट से हॉरिजॉन्टली, कितनी दूर गिरी, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यानी यहां से यहां तक की स्ट्रेट डिस्टेंस, जब ये गिर रहा था तो किसी टाइम बीच में किसी टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, एक्स की वेलोसिटी क्या थी और वाई की वेलोसिटी क्या थी, ये कितने एंगल से मुड़ चुका है, देयर सो मेनी थिंग्स टू आस्क, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस। ये जो चल रहा है ये पाथ कैसा है, ये पैराबोला है, सर्किल है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, ये कैसा पाथ है, उस पाथ की इक्वेशन क्या है, ये सारी चीजें हमारे डिस्कशन का पार्ट हो सकती है। क्या तुमको सबको समझ में आ गया कि हमने दे रखी है 1, 2, 3 और ये 4 चीज, हाइट गिवन है हमें, बाकी सारा मामला हमें निकालना है। क्या समझ में आ गया? और क्या दे रखा है? डिस्प्लेसमेंट आपको अलोंग वाई गिवन है कि आपको एच नीचे जाना है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई गिवन है, आपको इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। मेरे बच्चों में जानना चाहूंगा कि आपको यादव की बातचीत समझ में आ गई है, बहुत जुड़े जानना आप लोगों के लिए कि ये गिवन है, इतना गिवन है, बाकी सब हमारा डिस्कशन का पार्ट है। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके आप लोग देख लीजिए कि आपको ये बात समझ में आई नहीं आएगी, तो हमें सबको समझ में आ गया होगा कि ये गिवन है। अब हमें क्या क्या निकालना है बात कर लेते हैं। पहले इनके सिंपल लिख दो कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। एक नाम तो है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितने टाइम तक ये बॉल चलती रही हवा में रही, वो टाइम बताना होता है कि कितने टाइम तक ये चीज हवा में रही है, कब ये गिरी है। दूसरा निकालेंगे रेंज, इन सबकी डेफिनेशन भी लिखेंगे हम लोग। रेंज का मतलब होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड डेफिनेशन लिखेंगे। या एक काम करते हैं कि तुमके साड़ी होता है, ये सारा लिख लिया तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के अलावा बात करने के लिए अलोंग सिर्फ वाई बात करो, अलोंग वाई सिर्फ वाई के अलोंग बात करो, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको इधर की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर पेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इतने टाइम तक वाई में गए क्या लिख रहे हो चेक करना,
y की वैल्यू h होगी इन टाइम t इक्वल टू कैपिटल t। हाँ ना, जो आप दे दीजिए बच्चों, माइनस h लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ वेक्टर में लिखना, फिर g भी नेगेटिव लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस h इन टाइम t इक्वल टू कैपिटल t। यहां से यहां तक जब गया तो आगे तो गए, लेकिन y के नोट h गए और कैपिटल t गए। इक्वेशन लिख देते हैं, y equal to u y t plus half a y t square। Substituting values, y की जगह पे minus h, u y zero है, t minus half g, a y की जगह पर minus g t square। Negative से negative कट गया, 2 h by g equal to t square, तो time of flight की value आ गई root 2 h by g। क्या आप सब बच्चों को time of flight समझ में आ गया क्या? कितने टाइम में नीचे गिर रही है? रूट टू एच बाई जी टाइम में नीचे गिरे, कितने टाइम में नीचे गिरेगा ये? रूट टू एच बाई जी टाइम में नीचे गिरेगा। क्या यहां तक की चीज समझ में आ गई आप सबको? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इस यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बात को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तुम एक दो बॉल्स ले लो, ये नंबर वन बॉल, ये नंबर टू बॉल, एक ही हाइट से हमने इसको 10 मीटर पर सेकंड से भेजा, इसको 20 मीटर पर सेकंड से भेजा, एक ही हाइट से। लेकिन नीचे गिरने का टाइम दोनों का क्या होगा? नीचे गिरने का टाइम दोनों का सेम आएगा, क्योंकि दोनों का h सेम है, g सेम है। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूर तक पक्का जाएगी, लेकिन गिरेंगे सेम टाइम। क्लियर हो रही बात तुम सबको? क्या एक बॉल को सिर्फ छोड़ दो यहां से, जितने टाइम में ये गिरेगी उतने टाइम में ये गिरेगी, उतने टाइम में ये भी गिरेगी, तीनों एक साथ ड्रॉप होती ड्रॉप। लेकिन ये आगे क्यों नहीं गई? क्योंकि इसके पास स्पीड थी नहीं। आराम से सीख रहे इस बात, इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, सिर्फ ड्रॉप कर रहे हो, यू जीरो है, लेकिन एक्सीलरेशन नीचे की तरफ तो जी है और एच ही कवर करना है। इसके लिए भी यू जीरो है, वाई के लोग एक्सीलरेशन जी है, तो इधर की डिस्टेंस इधर का एक्सीलरेशन सेम है, तो जितना एक्सीलरेशन इसका उतना इसका, जितनी डिस्टेंस इससे कवर करनी है उतनी डिस्टेंस इससे कवर करनी है, तो टाइम दोनों को क्या लगेगा? पक्का सेम, क्योंकि परपेंडिकुलर मोशन इंडिपेंडेंट है। हां ना, मैं जॉब दे बैठा हूं। अरे बोल बेटा, नोट कीजिए ना, यहां तक की चीज को सिर्फ अलोंग वाई बात करके हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाए। टाइम ऑफ फ्लाइट की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, द टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू फॉल डाउन। ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि अगर ग्रेविटी नहीं हुई तो ये सिर्फ स्ट्रेट जाता, ग्रेविटी की वजह से अगर इसको नीचे जाना है तो जितना नीचे ये जाएगा उतना ही नीचे ये जाएगा, सेम टाइम में सेम चलेंगे। अगर एच कवर करना है तो दोनों को सेम टाइम लगेगा। फिर से प्रूव हो रहा है कि परपेंडिकुलर मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, चाहे इसके पास आगे की वेलोसिटी है लेकिन नीचे का फोर्स दोनों का आइडेंटिकल है। ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में। अब रेंज निकालते हैं, रेंज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे चेक कीजिएगा। रेंज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टिल इट फॉल्स हैडिंग अ रेंज आर की। डेफिनेशन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन इन टाइम कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम के बराबर में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर। तो x के नॉर्म बात कर लेते हैं, x के नॉर्म मोशन है यूनिफॉर्म, तो जब स्मॉल t कैपिटल t के बराबर होगा देन x इक्वल टू r। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, r इक्वल टू uxt, ux की वैल्यू u है और t की वैल्यू रूट टू एच वाई जी निकाल चुके हैं। तो ये रेंज का एक्सप्रेशन आप सबको समझ में आ गया होगा, u रूट टू एच वाई जी, ये रेंज का एक्सप्रेशन बन गया, r equal to u root 2h by g। लिख लीजिए रेंज के एक्सप्रेशन की। तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या कि अब x को अलग और y को अलग क्यों सॉल्व कर रहे हैं?
इस क्वेश्चन में x को अलग और y को अलग सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि y का x का था, x का पता ही नहीं था हमें कुछ भी, x का तो निकालना था। अगर डिस्प्लेसमेंट हमें किसी टाइम पे निकालनी थी तो डायरेक्टली स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं है। जैसे कोई हमें कहता कि डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t निकालो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो इक्वेशन ut plus half at square लगी जाएगी, क्योंकि अब तो t आपने दे दिया सर, हमें u भी पता है, a भी पता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही देंगे। लेकिन ये कोई स्पेसिफिक पोजीशन थी जिसका टाइम निकालने के लिए आपने कहा था, तो हमें x और y को ब्रेक करना पड़ा। मैं तुमसे पूछूं t टाइम पे वेलोसिटी बताओ, तो तुम बोलोगे t टाइम पे वेलोसिटी तो v = u + at से डायरेक्टली आ जाएगी जी, फिर प्रॉब्लम को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। तो इस समय देखिए हमने अब रेंज लिख ली है इसकी, रेंज के लिए हम इनको प्रॉब्लम को अलग अलग करना पड़ा हम लोगों को। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी एट टाइम t निकालना हो तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, मैं सिर्फ वैल्यू पुट करने की चेक करना, यू आई कैप माइनस जी टी जी कैप, एक्स की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रह रही है, वाई की वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, टाइम बढ़ेगा तो वाई के अनुरूप वेलोसिटी बढ़ेगी, एक सेकंड पे अलग है, दो सेकंड पे अलग है, तीन सेकंड पे अलग है, लेकिन एक्स की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। आगे वापस हमने इक्वेशन एक ही बार में लिख ली दोनों के दोनों, अब एक साथ क्यों लिख पाए? क्योंकि सर आपने बीच के टाइम पे कुछ पूछा है, यानी आप टाइम की वैल्यू हमें दे रहे हो, टाइम की वैल्यू दे रहे हो, यू पता है, ए पता है, तो उस टाइम पे कुछ निकालने की कोशिश तो निकाल ही देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? कब प्रॉब्लम को सेग्रीगेट करके अलग अलग करके एक्स वाई डायरेक्शन में स्टडी किया, कब इकट्ठा देख सकते हैं, समझ में आने की बात? ये चॉइस की बात है, अपनी मर्जी है कि डायरेक्टली लिखना है इसको या अलग अलग एक्स वाई में लिखना है। एक्स वाई में भी लिखेंगे तो सेम चीज आएगी, क्योंकि एक्स में एक्सेलरेशन है ही नहीं। लिख लीजिए बच्चों यहां तक की चीज, ये वेलोसिटी एट टाइम टी आ चुकी है, वेलोसिटी एट टाइम टी, तो रेंज का एक्सप्रेशन भी आ चुका है और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी आ चुका है। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ चुका है, मैं इस बात को दोबारा से लिख दिया, ये साइड इरेज कर रहा हूं, चेक रखिए। अगर कोई वी एक्स पूछ रहे तो वी एक्स की वैल्यू यू आ रही है और वी वाई की वैल्यू माइनस जी टी आ रही है, माइनस का मतलब नीचे की तरफ, इसमें आई जे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां एक्स वाई लिखी दी है। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? नेट स्पीड आ जाएगी आपके पास वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट से, दैट इज यू स्क्वायर प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर अंडर रूट, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गई स्पीड, क्या स्पीड आप सबको समझ में आई कैसे करेगी ये? लेकिन एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स वाली वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्स की डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं है, सारा फोर्स तो वाई के लोगे, तो एक्स की वेलोसिटी बदली नहीं करेगी। समझ में आई अंतर की बातें आप सबको? लास्ट पॉइंट और लेते हैं इसका अनुभव कि कितने एंगल से ये झुक चुका है, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। अगर ये वी वाई है और ये वी एक्स है तो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है वी वाई बाई वी एक्स से, दैट इज माइनस जी टी बाई यू। नेगेटिव लिखने का सिंपल सा मतलब है कि ये एक्स एक्सिस से नीचे झुक चुका है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत हद है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन इनवर्स जी टी बाई। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला ये वाला जो लिखा हुआ है फिलहाल, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से बैठता दिमाग में, ये वाली वैल्यू जी टी है और ये यू है, मैथमेटिकल रिलेशन समझ में आ गया, बट इसका यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। एक अदर क्वेश्चन अभी यूज करके दिखाता हूं आपको मैं, यहां तक की बात नोट कीजिए। तो ये टेन थीटा की वैल्यू का बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, टेन थीटा इक्वल टू जी टी बाई यू हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। पार्टिकल को जब आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो एक्स कंपोनेंट तो कोई बदलेगा नहीं, लेकिन वाई कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आगे जा रहा है ये एंगल लगातार बढ़ रहा है, और उस एंगल की वैल्यू किससे आ रही है? टेन थीटा इक्वल टू जी टी बाई यू से। नेगेटिव आने का सिंपल सा मतलब यह है कि इट इज बिलो एक्स एक्सिस, इसका कुछ डिफाइन नहीं करता। क्या आप सबको बात समझ में आ गई है बच्चों?
आज के लेक्चर में इतना ही है, कल जो इसका सेकंड लेक्चर होगा उसके बाद उस लेक्चर के साथ यूट्यूब पे हम लोग इसकी डीपी पे अटैच कर दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक वहां से डाउनलोड करके आपने सॉल्व कर लेना इसकी डीपी पे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है।